आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक मिनट का उपाय, उसके साथ मैं आपको बताऊंगी जिनको भी सूजन रहता है या दर्द की समस्या है, गठिये के दर्द की समस्या है, जोड़ों के दर्द की समस्या है, उनके लिए एक काढ़ा बनाना जिससे सूजन दूर होगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी का काम करेगा और दर्द में राहत मिलेगी। दूसरा, मैं आपको एक तेल बनाना बताऊंगी जिससे आपको मसाज करनी है, जहाँ पे दर्द है वहाँ भी मसाज करनी है, और जहाँ पे दर्द नहीं है, जो लोग खुद से मसाज नहीं कर सकते हैं वो लोग सिर्फ अपनी उंगली की मदद से, अपने हथेली की मदद से अपने गर्दन के दर्द, सर्वाइकल का दर्द, कमर का दर्द, नसों की ब्लॉकेज, नसों में अगर कोई ब्लॉकेज है, या फिर आपके दोनों हाथों का दर्द, कंधे का दर्द, या आपके पैर के किसी भी जोड़ का दर्द, घुटने का दर्द को सिर्फ यह हथेली में मसाज कर ठीक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है, मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं होम रेमेडी। होम रेमेडी बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 सामग्री का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले जो सामग्री हमें लेनी है वो छोटे चम्मच से 1 चम्मच मेथी दाने, जिसे हम बोलते हैं फेनिग्रिक सीड्स। मेथी दाने बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत सारी बीमारियों को दूर करते हैं, वात का नाश करते हैं। आयुर्वेद में वात को हम बोलते हैं कि बढ़ने से, संतुलन बिगड़ने से शरीर में 80 से ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, जोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द, बहुत सारी समस्याएं, उनमें से डायबिटीज़ भी है। तो आपको मेथी के बीज लेने हैं। दूसरा जो सामग्री लेना है, अजवाइन लेनी है। अजवाइन आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, ये पेट की कब्ज की समस्या को दूर करता है, पाचन क्रिया को अच्छा बनाता है, और ये भी वातनाशक होता है। अजवाइन आपको छोटे चम्मच से 1/2 चम्मच लेनी है, और एक छोटा सा 1/2 इंच का आपको दालचीनी का टुकड़ा लेना है। दालचीनी आपके शरीर के हर एक हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, थायराइड की समस्या को कंट्रोल करता है। जिनको भी थायराइड बढ़ता जा रहा है, शरीर फूलता जा रहा है, अंदर से कमज़ोर हो रहा है, तो 1/2 इंच का आप उसमें ज़रूर से दालचीनी का एक टुकड़ा डाल दें। अब ये तीनों ही चीज़ों को आपको अच्छे तरह से 2 कप पानी में उबाल लें, कम से कम मीडियम फ्लेम पे 3 मिनट के लिए। इसकी चाय बना लें, कप में निकाल लें और इस छान के कप में निकाल लें, और इसमें आप शहद मिलाकर इसे ले सकते हैं। डायबिटीज हैं तो ऐसे ही इसे पी जाए। शरीर में सूजन को दूर करेगा, दर्द की समस्या को दूर करेगा, और इसकी बहुत ज़्यादा फायदे हैं। इसे आपको लेना कब है, तो इसे आप जब भी नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद इसे अवश्य ले लें, इससे आपका इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो आइए अब जान लेते हैं दूसरा जो तरीका। दूसरा तरीका में मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक मसाज थेरेपी, एक बहुत ही असरदार उपाय जिसे आप रात में कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं लिम्फोसाइट मसाज। जब भी हमारे शरीर में कोई गंदगी होती है तो उसको निकालने का जो काम करता है वो लिम्फोसाइट्स करते हैं। छोटे छोटे नसें, नाड़ियाँ होती हैं और नोड्यूल्स होते हैं। तो वो कहाँ कहाँ पे होती हैं, इस जगह पे होती हैं, अपने हाथ के जो ये वाली जगह है, यहाँ पे दोनों साइड, यहाँ पे पसीना आता रहता है ना, तो वहाँ पे होती है। और इसको हम अपने पेट पे भी कर सकते हैं। तो पेट में हमें कैसे मसाज करना है, इससे हमारी कब्ज की समस्या दूर होगी, खाना पचेगा। अपने हाथ के हथेली से ऐसे बाहर की तरफ इसे खींचना है पेट में। इससे क्या होता है कि आपके जितनी भी चीज़ें हैं इसको बाहर निकालना है, जो फंसी हुई हैं, जो जहाँ पे पाचन नहीं हो रही है, तो उसके लिए इस तरह से इसे हम लिम्फोसाइट्स ड्रेनेज बोलते हैं। जिस तरह से नालियाँ वगैरह साफ करते हैं, ड्रेनेज करते हैं, उस तरह से इसे करना है। कम से कम 25 से 30 बार इस प्रकार से आपको सोते सोते, लेटे लेटे भी कर सकते हैं, या बैठे बैठ के भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे कैसे करनी है, तो अपने हाथ से ऊपर नीचे इस प्रकार से रगड़ना है, और यहाँ भी रगड़ना है। इसे भी 20 से 25 बार आपको करनी है। बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा दिखेगा इससे। शरीर में छोटे छोटे जो नसें होती हैं वो जाम हो जाती हैं, उसको खोलेगा, और गंदगी आपके शरीर से बाहर निकलेगी। जो गंदगियाँ आपके जोड़ों में जा जा कर फंसती हैं और वहाँ पर शरण पैदा करती हैं, दर्द पैदा करती हैं, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। पहले इसलिए मसाज करते थे, दबा दबा के मसाज थेरेपी,
आप इसके लिए तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हो सके अगर कोई मसाज कर सकते हैं तेल से, तो आप तेल का तेल बनाकर उसका मसाज करें। तेल किस प्रकार से बनानी है आइए बताती हूँ। तो आपको लेनी है सरसों का तेल, इसमें आपको मिला देना है मेथी के बीज, अजवाइन के बीज, और इसे अच्छे से आपको पका लेनी है, लहसुन भी डालनी है। उसके बाद इस तेल से आपको मालिश करनी है। तो जो लोग नहीं कर सकते हैं खुद से मसाज, उनके लिए हाथ की मदद से मैं बताती हूँ। हमारी हाथ की हथेली में सारी नाड़ियाँ जुड़ी होती हैं, हमें पता है। तो अगर आपको नसें ब्लॉकेज है, नर्व पेन की शिकायत रहती है, माइग्रेन रहता है, कमर में दर्द रहता है, तो पहले तो अपने हथेली में तेल लगा लें अच्छे से, पूरी तरह से। और ये जो दो हड्डी के बीच में, जो बीच में आप गैप देखते हैं ना, उसमें आपको इस तरह से दबाते हुए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लेकर जानी है। कहीं भी बैठे बैठे, टीवी देखते देखते, कहीं भी आप हों ऑफिस में, इस प्रकार से आप मसाज करें। आपके नसों की ब्लॉकेज की समस्या, साइटिका का दर्द, नर्व पेन, सब कुछ इससे आराम मिलेगा। दोनों हाथ में कर सकते हैं, एक हाथ में या दोनों हाथ में करें। जहाँ पे आपको ज़्यादा दर्द महसूस होगा ना, यानी वहाँ पर आपको ज़्यादा समस्या है, उसे ज़्यादा देर के लिए करनी है। अब देखिए, ये जो उंगली है, ये उंगली है, ये दोनों उंगली आपके कंधे के लिए है, हाथ के लिए है। यहाँ पे कंधा है और यहाँ पे आपके हाथ की ये वाली कलाई, ये जोर है। इसमें जितनी जोर है वो आपके हाथ की हथेली के, हाथ के सारे जोर हैं। जैसे यहाँ वाला कंधा हो गया, बीच वाली जो ये जोर है ये हो गई, और यहाँ की जो जोर है वो ये हो गई। तो दोनों ही हाथ के लिए है ये। तो अपने जोर पे इस प्रकार से दबाते दबाते दोनों हाथ की कंधे की मालिश इस प्रकार से कर सकते हैं। अब ये जो दोनों उंगली है, ये दोनों उंगलियाँ पैरों के लिए हैं, दाहिने पैर और बाएं पैर। और ये जो जोर है यहाँ, ये जोर, ये जोर, ये जोर, जोर जहाँ से मुड़ती है उंगली, वो सारे हमारे पैर के जोर हैं। घुटने में हैं तो यहाँ पे ज़्यादा जोर से दबाएं, आराम आराम से, बहुत ही तेज से नहीं। और इस प्रकार से आप बैठे बैठे इसे आप इस प्रकार से दबा सकते हैं। जिनको भी गर्दन में दर्द हो जाता है, सर्वाइकल का दर्द हो जाता है, गर्दन में बहुत दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, तो आप अपने अंगूठे की मालिश कर सकते हैं इस प्रकार से दबाते हुए। बहुत फ़ायदा करता है ये, और आपके शरीर से जो दर्द की समस्या है उसको दूर करता है। अब आपको मैं दो मुद्रा बता देती हूँ जिसकी मदद से। पहला मुद्रा आपको बता देती हूँ, वायु मुद्रा, जिससे शरीर में अगर वात की समस्या है तो वो दूर हो जाएगी। वायु मुद्रा के लिए आपको अपने हाथ में ये जो फोर फिंगर होती है, ये वाली उंगली और अंगूठा, इस उंगली को नीचे रखना है और अंगूठे से इसे दबाना है। बाकी उंगलियां ऊपर की तरफ रहेंगी, और इसे अपने पेट के पास रखनी है, नाभि के पास। आपको बैठ जाने कहीं पे शांति से, और इसे सुबह सुबह आपको करनी है। और अपनी आँखों को खोल के ही रख सकते हैं तो अच्छा है, अगर ध्यान भटकता है तो बंद कर ले। और आपको अगर आँख खुली है तो किसी एक चीज़ को आपको ध्यान से देखना है, और मन में कोई और विचार नहीं लानी है। सांस को खींचनी है, सांस को छोड़नी है। आइए आपको मैं बताती हूँ किस प्रकार से। नाक से सांस खींचनी है, मुंह से छोड़नी है। देखिए एक बार करके दिखाती हूँ। इस प्रकार से, ठीक है। तो ये वायु मुद्रा है, इसे आपको कम से कम 25 बार करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे 3 से 4 मिनट तक भी कर सकते हैं। सुबह सुबह करें इसे। आपके शरीर में कहीं भी वायु अटक गई है, जिससे वात की समस्या उत्पन्न हो रही है, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। अब आपको दूसरा जो मुद्रा मैं बता रही हूँ, इसमें आपको ये रिंग फिंगर, यानी हमारी ये जो उंगली होती है और अंगूठा, इस उंगली को नीचे करना है और अंगूठे से इसे दबानी है, दोनों ही हाथ के। इस प्रकार से देख सकते हैं, इस प्रकार से जब हम मुद्रा बनाते हैं तो ये हमारे पाचन क्रिया को तंदुरुस्त करती है। पाचन संबंधित कोई भी समस्या हो, गैस बनती हो, एसिडिटी बनती हो, खाना ढंग से नहीं पचता हो, उसकी वजह से भी बहुत सारी समस्या होती है। तो इस प्रकार से आप इसे पहले वायु मुद्रा को करें, और आप वापस से इस मुद्रा को आप कर सकते हैं। इसमें आपको अपने पेट से सांस लेनी है और पेट से सांस छोड़नी है। अब आपको पेट से कैसे सांस लेनी है, तो आपको कहीं पे बैठ जाना है शांत जगह पर, और जब आप सांस खींचेंगे, जब सांस खींचेंगे अंदर लेंगे, पेट भर के आपको सांस लेनी है, और जब आप सांस छोड़ेंगे पेट भर के आपको सांस छोड़ना है।
चलिए आपको करके एक बार दिखाती हूँ। इस प्रकार से आप बैठ जाए, नीचे हाथ को इस प्रकार से मुद्रा बना ले और सांस को खींचना है पेट भर के। जब सांस छोड़ेंगे पेट अंदर जाना चाहिए, खाली करके पेट से सांस छोड़नी है, और भरना है तो पेट बाहर आना चाहिए, पेट भर के सांस खींचना है, भरना है। और जब आप एक बार अंदर ले लेंगे सांस को तो कम से कम 10 सेकेंड तक रोक के रखना है। इसको करके देखें, आपकी पाचन क्रिया से संबंधित सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। और मुझे ज़रूर से बताइएगा लिखकर आपको अगर लाभ मिल रहा है तो। बहुत सारी वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ, पहले भी सांस मुद्रा वाली वीडियो शेयर की हूँ, बहुत सारे लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया है, उनको लाभ मिल रहा है, सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। और मेरी यही, मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर आप लोगों को भी इससे लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक अवश्य कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, शुक्रिया।